नेक्स्ट अभ्यास है 5E, निम्नलिखित का गुणनखंड करो। तो ये इसमें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस टू और ए माइनस टू, ऐसे इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 17B का होल स्क्वायर। तो ऐसे भी इसको फॉर्मूला हम तोड़ देंगे, ए प्लस 7B और ए माइनस 7B। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 121, ये सॉरी एक्स स्क्वायर होगा 121, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसमें यहाँ पे एक्स नहीं होगा, ये क्वेश्चन हमारा बाई मिस्टेक है। तो इसको देखो यहाँ पे एक्स क्यू है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे एक्स, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 121 आ गया। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस 11 और एक्स माइनस 11। क्वेश्चन है इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसको लिख सकते हैं 2a+3 2a और 2a-3/2a, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब 18x² और यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर हम दो कॉमन ले लें, तो दो कॉमन लें तो 9/(x²-x²/9। तो देखो ये तुम्हारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/(x²)-x/3)² इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो 2×(3)x+(x+3) और 3×(x-x)/3, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये भी a²-c² का फॉर्मूला बन गया, तो इसको लिख सकते हैं हम a-b+c, और एक बार लिख सकते हैं a-b-c, इसका सॉल्यूशन हो गया।